जिस प्रकार से उपरोक्त स्थान पर 28/10/2020 को दो मुस्लिमों द्वारा एक हिंदू बेटी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका दोष मात्र की उन मुस्लिमों के लव जिहाद के जाल में फंसने का प्रचंड विरोध कर रही थी, जिस कारण निरंतर हिंदू बेटी को दोनों जान से मारने की धमकी देते फिर भी निकिता ने हिम्मत के साथ विरोध करती रही। परिणाम स्वरूप उस बहादुर हिंदू बेटी को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। हम सभी इस घटना की बेहद निंदा करते हुए मांग करते हैं कि यह भयानक लव जिहाद का विकराल रूप है। देश को इस बड़े सांप्रदायिक अशांत वातावरण में छोड़ने का षड्यंत्र रचा जाए। सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट है कि यही उपरोक्त हत्यारे हैं, तो संदेह किस बात का है। हत्यारों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, जिससे ऐसे अपराधियों को ऐसे जघन्य अपराध करने की पुनः हिम्मत न हो सके, नारी एवं सशक्तिकरण को संबल प्रदान हो सके। नारी के सम्मान में जी, मेरा नाम अनुराग भदौरिया है। किस सिलसिले में आप मिल रहे हैं? मैं समझता हूँ बजरंग दल से, अटावा से। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारी बहन निकिता जिसकी निर्गम हत्या कर दी गई है लव जिहाद के चलते हुए, इसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं। हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को डीएम टावा जी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है कि जो हमारे जो हत्यारे हैं हमारी बहन के, उनको सख्त सजा दी जाए, इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए। डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि आपका ज्ञापन हम लोग पहुँचाएंगे और जो भी आप लोगों की मांग है पूरी की जाएगी।